राकेश जी, आप अचानक कुछ काम था क्या? अचानक कुछ काम था? देखो किशोर, तुम्हारी ये नौटंकी ना बंद करो। मैंने तुम्हें देख लिया था चौराहे पे। मैं तो घर पे ही था। हाँ, अच्छा घर पे थे। देखो अब सीधे काम की बात पे आते। तुम लोगों ने मेरा किराया 2 महीने से नहीं दिया है। मुझे मेरा किराया आज के आज चाहिए, वरना अपना सामान उठाओ और घर खाली करो। अरे राकेश जी, हम कहाँ भागे जा रहे हैं? यही तो है आपके घर में। बस अभी नौकरी मिलने ही वाली है। जैसी नौकरी मिल जाएगी, आपका सारा पैसा दे दूंगा पक्का। अरे बस करो किशोर, पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारी ये बहानेबाजी सुन रहा हूँ। मुझे भी ना ये किराए के पैसे अपनी बीवी के हाथ में देने होते हैं, मुझे भी अपना घर चलाना होता है। राकेश जी आप समझिए, मैं दे दूंगा कहाँ से, आपको तो पता है ना। मुझे मेरा किराया आज के आज चाहिए, वरना सामान उठा के घर खाली करो। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? काहे गुस्सा कर रहे हो राकेश बाबू? बाबू काहे गुस्सा कर रहे हैं बाबू हमारे पति देव पे, बताइए। इनले गुस्सा नहीं कर रहे हैं। वो घर का रेंट लेने आए हैं ना राकेश जी, किराया मांग रहे थे। ओह, बस इतनी सी बात? राकेश बाबू आप तो जानते हैं ना, हमारे पति एक नंबर के निठल्ले हैं। जाओ उनके लिए पानी लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। पानी पानी लेकर। अब घर के सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। हम घर घर जाकर खाना बनाते हैं और एक एक पाई जोड़ रहे हैं, तो समय तो लगेगा ना बाबू। इसीलिए बस हम आपसे चाहते हैं कि 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, आपके सारे पैसे हम वापस कर देंगे। देखो तुम्हारे ये घर के मामलों में मुझे नहीं पड़ना, ठीक है? मुझे मेरे पैसे चाहिए आज के आज। क्या बाबू, आप हमारी इतनी भी से भी बात नहीं मानेंगे? अब हम इस उम्र में कहाँ कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे, आप तो जानती है ना जमाना कितना खराब है। तो बस हमारी इतनी सी बात मान लीजिए, 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। देखो मैम, 1 महीना तो नहीं दे सकता, 15 दिन। 15 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, पैसे दे दो वरना घर खाली कर देना 15 दिन में। अरे राकेश जी गुस्सा क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए, ठंडे हो जाइए। नहीं पानी नहीं पीना है, हम जाते हैं। इमली, तुम्हारे इन अदाओं ने, इन चटकारेपनों ने 15 दिन की मोहलत तो दिलवा दी, लेकिन इतनी जल्दी इतना सारा किराया, मतलब ये पैसे लाएंगे कहाँ से हम लोग? कुछ सोचा? तुम ना चुप ही रहो, आवारा गिरदी के अलावा तुम्हें कुछ आता है क्या? हाँ, जो पैसे के बारे में सोचोगे। इमली, अरे बात बात पर रोट क्यों जाती हो? अरे इमली, अरे बात बात पर गुस्सा क्यों करती हो? तो फिर क्या करें? हाँ, सारा दिन हम घर के बाहर काम करते, तुम्हारा बदन टूटता है, और फिर घर आकर यह मकान मालिक की बातें सुने हम, और तुम क्या करते हो, बस बैठे रहते हो। अरे तो पहले बताना था ना, ये बदन टूटता है, अभी दबा देते। ये लो देखो, अभी बदन कदर तुरंत गायब कर देंगे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हंसी हंसी है, बदन का दर्द गायब।
सुबह के निकले अब घर आए हो? अरे जया अंदर तो आने दो, और ये क्या झाड़ू कंधों पे लेके घूम रही हो? नीचे करो इसे। अरे अंदर तो आने दो, नीचे करो ना झाड़ू को। किराया लाए? किराया वो किराया तो उन्होंने नहीं दिया, और 15 दिन का टाइम मांग लिया। क्या 15 दिन? 15 दिन घर कैसे चलेगा? हाँ ये भगवान, ये कैसा आदमी पल्ले पड़ गया मेरे, बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। तुम बात समझ। अरे आप लोग फिर शुरू हो गए। आप लोगों का ना रोज का हो गया, इसलिए मैं भी रोज की तरह चला बाहर। लड़ो लड़ो, आराम से लड़ो। क्या लड़ो लड़ो जय, ये क्या बदतमीजी है? बात सुनो जय, रुको जय। क्या गलत कहा मेरे बेटे ने? सही तो बोल रहा है। अरे तुम यही तो करते हो। सुनिए, ये सेब कितने का दिया? 150 रुपए किलो। 150 रुपए? हाय राम, ये महंगाई ना हमारा पसीना ही निकाल देगी। अब रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए। अरे रुकिए रुकिए, अरे ले जाइए ना, जितना आपका दिल करे उतना दे दीजिए। अब बहुत ही अच्छे हैं। एक काम कीजिए, 2 किलो कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी अभी ला। पैसे ले जाइए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे पैसे भी। शुक्रिया, अब चलती हूँ मैं। क्यों है ना चम्मक छल्लो, इस मोहल्ले का हर आदमी इसकी एक झलक पाने के लिए तरसता है। सेव दो भैया। वाह मेरी मिली, मान गए, अपनी अदाओं से सेब भी फ्री में ले लिया, वो भी 2 किलो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन याद है ना आज 15 दिन खत्म हो रहे हैं, वो बाबू किराए लेने के लिए घर के सामने आ जाएगा, कुछ सोचा है इस बारे में? अरे जिसके पास तुम्हारी जो सुंदर बेबी हो उसे भला चिंता करने की क्या जरूरत। चाची बहुत शाना है ना तू, चल अब। क्या हुआ राकेश बाबू, कहाँ खो गए? वो किशोर की तरह, किशोर को बुलाओ, 15 दिन हो गए, मुझे मेरा किराया चाहिए। अरे आप अंदर आइए ना, आप तो ऐसे कतरा रहे हैं जैसे ये हमारा घर हो, अपना ही घर समझिए, भूली मत बैठिए। बताइए क्या लेंगे आप, कुछ ठंडा या गरम? वो ठंडा गरम कुछ नहीं चाहिए, बस आप किराया दे दीजिए। राकेश बाबू बुरा मत मानिएगा, क्या आप अपनी पत्नी के सामने भी ऐसे ही घबराते हैं? वैसे मैंने सुना है कि भाभी जी बहुत गुस्से वाली हैं, वो आपका ख्याल तो अच्छे से रखती है ना? अपनी अपनी किस्मत है, आप इतने हैंडसम हैं और भाभी जी को आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। और रही बात मेरी, मेरा वो निठल्ला पति, ऐसे सही कहा है किसी ने, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, पर अगर हम चाहें तो हम दोनों वो चीज पा सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं। ओहो राकेश बाबू, कितने नादान बन रहे हैं आप, हर चीज पैसा नहीं होती है, जिंदगी में पैसों के अलावा बहुत सारी खुशियां होती हैं, जिन्हें जीना जरूरी है, और वो मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। ये पल
हम दोनों के होंगे, सिर्फ हम दोनों के। बाबू ये आप अपना देखो किशोर, तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। अच्छा इमली, चलता हूं। राकेश जी, अब तो आप इस घर का किराया संभाल लेंगे ना? ठीक है, अब उसकी चिंता तुम मत करो। जिसके पास इमली जैसी बीबी हो भला उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। ठीक है राकेश जी, आते रहिएगा। जी आता रहूंगा। क्या कमाल किया तुमने, क्या चाल चली है, किराए बचा लिए। इतने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से ये खुशी मिली है, अब इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। अरे आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले। किराया लाए? हाँ। ये रहा तुम्हारा किराए का पैसा। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से उगा है भाई। अच्छा है वो लोग लाइन पर आ गए। एक काम करो, मैं खाना लगाती हूँ, फ्रेश हो जाओ दोनों। वैसे पापा, अब घर में पैसे आ ही गए हैं तो थोड़े मुझे भी दे दो। वो क्या है ना, मुझे अपने दोस्तों की उधारी वापस लौटानी है। दोस्तों की उधारी? लेकिन तुमने अपने दोस्तों से उधारी ली क्यों? तुम्हारा रहने का, खाने का, कपड़ों का, कॉलेज का, फीस का सब हम करते हैं, फिर तुमने अपने दोस्तों से उधारी ली क्यों? अरे पापा फिर से शुरू हो गए। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरे और 10 अलग तरीके के खर्चे हैं, आप समझा करो। और आप हमेशा झगड़ा क्यों करते रहते हो, कभी मुझसे कभी मम्मी से? और मेरा खर्चा नहीं संभाल सकते तो मुझे पैदा क्यों किया? अच्छा पैदा क्यों किया? और क्या, रुक जा, तुझे अभी बताता हूं मैं पैदा क्यों किया। अरे पापा, बाप बेटे का ड्रामा खत्म हो गया है तो चले खाना खा ले।
इतनी रात को फोन क्यों किया तुमने? क्या बाबू, अब आपकी याद आएगी तो क्या हम आपको फोन भी नहीं कर सकते हैं क्या? इतने भी सख्त ना बनिए, इतना कुछ हो जाने के बाद। अच्छा, याद आ रही थी मेरी, ठीक है कल आता हूँ मिलने, अब रखो फोन। अरे अरे सुनिए ना बाबू, आप आ ही रहे हैं तो अपने साथ साथ चिकन भी ले आइएगा। वो क्या है ना, काफी समय से हमने खाया नहीं है और हम भी अपने हाथों का स्वाद आपको चखाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, चिकन भी ले आऊंगा और दोनों को चख भी लूंगा। वाह मेरी उंगली, वाह, मान गए तुम्हें, मान गए। कल तो पकवान बनेगा, पकवान। मुझे तो अभी से ही खुशबू आ रही है। हाँ और परसों का भी मेन्यू बता देना, मुर्गा ना अच्छी तरह से फंस चुका है। मुर्गा खाओगे? मुर्गा खाओगे? पका लिया। ये क्या बदतमीजी है? सूरज सर पे आ गया है। हाँ अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, चलो उठो, दुकान नहीं जाना है। ठीक है तुम नाश्ता लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। और हाँ आज एक तारीख भी है ना, वो किराया लेने भी जाना है। वो तुम रहने दो, किराया लेने जय चला जाएगा अब से हर महीने, तुम सिर्फ दुकान देखो। जय? अरे लेकिन जय क्यों जाएगा? क्यों क्यों नहीं जा सकता, तुम्हारा बेटा है वो भी तो जा सकता है ना, और अच्छा है ना, अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है जया, प्रॉब्लम देखो वो जय अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, उसे पढ़ाई में क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, ये सब बाद में, उसे जिम्मेदारी तो लेनी है ना। मैं हूं ना, मैं चला जाऊंगा। तुम अपनी बकवास बातें ना अपने पास रखो, अब से हर महीने किराया लेने जय जाएगा। तैयार हो जाओ दुकान के लिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जय लेकिन मेरी बात, लेकिन राकेश बाबू आपका बेटा अगर पैसे लेने आएगा तो मैं उसे पैसे दूंगी कहाँ से, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे मुझे पता है इमली, देखो आज वो मेरा बेटा आएगा ना तो तुम उसे कल आने के लिए बोल दो, मैं आज शाम तक तुम्हें किराए के पैसे लाके दे दूंगा और कल तुम वही पैसे उसे दे देना। बात समझ रही हो ना, आज कैसे भी करके संभाल लो, अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, काटता हूँ मैं। क्या बोला राकेश ने, क्या बात हुई तुम्हारी? हमारी किस्मत ना खराब है, एक को पटाया था अब दूसरा खड़ा हो गया आकर।
राकेश बोल रहा है कि अब से उसका बेटा लेने आएगा पैसे, उसको कल तक के लिए टालना है क्योंकि वो शाम को पैसे देगा। ये मुसीबत ना खत्म ही नहीं हो रही है। तुम रुको। किराया लेने आया हूं, निकालो। एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? उतनी ही जितनी समझदार होने की जरूरत है। चलो जल्दी किराया निकालो, मुझे लेट हो रहा है। सुनो ना, कल सुबह आ जाओ, हैं? कल सुबह किराया हम दे देंगे। आज ना इमली की तनख्वाह मिलने वाली है, तो कल आ जाओ। ठीक है, कल सुबह आता हूँ, लेकिन कल किराया मिल जाना चाहिए, याद से, ठीक है? ये ना किराए की मुसीबत खत्म ही नहीं हो रही है। अरे इमली क्यों परेशान होती हो तुम? राकेश किराया देगा ना, उस हाथ से लेना, इस हाथ से दे देना। हर बात पे परेशान हो जाती हो तुम इमली। परेशानी इसलिए है कि मुझे ना ये किराए का झंझट चाहिए ही नहीं। इमली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इस झंझट को खत्म करने के लिए हमारे पास खुद का घर होना चाहिए, पर इतनी हैसियत तो हमारी है नहीं कि खुद का घर खरीद सके, समझो? वही तो बनानी है हैसियत। राकेश, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे घर में चोरी हो गई। चोरी? कितने पैसे चोरी हुए? मैंने खुद अपने हाथों से 2 महीने पहले अलमीरा में 50,000 रुपए रखे थे, पर आप देख रहे हैं तो सिर्फ 15,000 रुपए ही है। हमारे घर में चोरी हुई है राकेश। क्या हुआ माँ? देखना बेटा, अपने घर में ना चोरी हो गई है। मैंने खुद अपने हाथों से 2 महीने पहले पूरे 50,000 रुपए अलमारी में रखे थे और सिर्फ ये 15,000 रुपए ही बचे हैं। हमें ना पुलिस बुलानी चाहिए। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। वैसे भी इस घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं रहता, और 2-3 महीने से तो घर पे कोई आया भी नहीं है। सही बोल। पुलिस बुलाते हैं माँ। फोन करो पुलिस को। हाँ माँ। ये नाटक बंद करो जय, मुझे पता है कि पैसे तुम ही ने चुराए। ये क्या कह रहे हो? भला मेरा बेटा अपने घर में चोरी क्यों करेगा? क्योंकि तुम्हारे बेटे पे उसके दोस्तों का कर्ज है, पैसे उधार लिए अपने दोस्तों से। नहीं पापा, मैंने उधार लिए हैं, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। जय, तुम ना बिल्कुल सही कह रही, बुलाओ पुलिस को। इसको ना 2 दंडे पड़ेंगे ना, इसका सारा सच बाहर आ जाएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, समाज में हमारी बदनामी होगी ना, लेकिन हमारा ये बेटा तो सुधर जाएगा। अरे बुलाओ। आप क्या बोल रहे हो, मैंने नहीं चुराए पैसे। चुप हो जाओ आप दोनों, इस घर में कोई पुलिस नहीं आएगी। हो सकता है मैंने कहीं इधर उधर रख दिए हूँ पैसे। तू कहीं जा रहा था ना बेटा, जा तू जा। वाह बेटा राकेश, वाह, क्या बात है, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, पूरी बाजी ही पलट दी। हाँ, लेकिन अभी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम घर से पैसे चोरी नहीं कर सकते। बाबू, मैं क्या कह रही थी कि आप अभी तो पैसे दे रहे हैं, अब फिर अगले महीने और उसके अगले महीने, आप कब तक संभालेंगे? तुम्हारा ये निठल्ला पति कब काम आएगा? तब तक अपनी बीवी के रहमो करम पे जिएगा, कब तक तुम दोनों का मैं खर्चा उठाता रहूंगा? इसे बोलो बाहर जाए, कुछ कमाए और किराया लाके दे। किशोर, तुम बाहर जाओ। किशोर, मैंने कहा बाहर जाओ, जाओ।
अरे बाबू, आप काहे गुस्सा कर रहे हैं उस पे? आप तो जानते हैं ना उसे। छोड़िए, अपना मूड मत खराब कीजिए। ये लो, इस महीने का किराया। वो जय आएगा ना तो उसे पैसे दे देना। और हाँ, अगले महीने से वो मैं किराया नहीं दे पाऊंगा। वो जया मेरी बीवी को पता चल गया है कि घर से पैसे चोरी हो रहे हैं, और अगर आप घर से पैसे चोरी करने की कोशिश की ना तो मेरा भांडा फूट जाएगा। मुंह तोड़ देता उसका आज। तुमने रोक लिया, साले ने तुमसे मजे भी ले लिया और पैसे देने के लिए भी मना कर रहे हैं। एक काम करते हैं, उसे ब्लैकमेल करते हैं। किशोर, तुम शांत हो जाओ। अब इमली छोटा मोटा गेम नहीं खेलेगी, बड़ा गेम खेलेगी। उसने तेरी मेरी और हम दोनों की बेइज्जती की है ना, उसे इस बेइज्जती की भरपाई तो करनी होगी। अरे इमली जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मुझे वो मीठा बनारसी पान दे दो। जी बिल्कुल। अरे जय जी, आप यहाँ? अरे पी लीजिए पी लीजिए, इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सभी पीते हैं ना, ऐसे ही अपनी फिक्र को धुएं में उड़ाते हैं। कभी मन करे तो आइएगा घर पर, आप ही का घर है। पान बन गया। आइए आइए बैठिए। अरे बैठिए ना, चाय पियेंगे? मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए। वो आपके पति नहीं है? कौन? किशोर। उनका होना ना होना एक ही बराबर है। मतलब आप उनकी चिंता छोड़िए, हमें ये बताइए आप हमें घूर क्यों रहे थे? घूर? अरे अरे नहीं, वो तो मैं बस किराया लेने आया था। इमली नाम है हमारा, आदमी की नजरों से पहचान जाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये लीजिए किराया। किराया भी आपके पास है और किरायेदार भी। मतलब जो मर्जी चाहे आप ले लीजिए, या तो किराया लेके आप जा सकते हैं, वरना अंदर वाला कमरा भी आपका ही है।
हाँ बोलो। हाँ बोलो, इतना रूखा सूखा जवाब, और आज तो तुम मिली भी नहीं। वो आजकल कुछ ज्यादा ही काम है ना, इसलिए। अरे काम तो पहले भी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन तुम टाइम तो निकाल लेती थी। फिर अब वो क्या था ना कि पहले किराया माफ था, लेकिन अब तो डबल काम करना पड़ रहा है, तो फिर समय नहीं मिल पा रहा है ना। ये कहाँ चले गए? अच्छा तो अब मैं तुम्हें किराए के पैसे नहीं दूंगा तो तुम मुझसे मिलोगी नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है ना, फिर कल मिलते हैं शाम को। हाँ आ जाइएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। किससे बात कर रहे थे? वो दोस्त का फोन था ना, दोस्त का। वो कल दुकान है ना, वो लेट तक खुली रखनी, ऐसा कमिटी ने डिसाइड किया है, तो बस वही बताने के लिए उसने इतनी रात को कॉल किया। चलो सोते आओ। अच्छा इमली, मैं चलता हूं। और किशोर बाबू कैसे हो? क्या हुआ इसे, ऐसे मुंह क्यों चढ़ाया हुआ? कुछ नहीं, बस वो उस दिन की बात से नाराज है। अरे तो सच्ची तो कहा था, जो भी कहा था उसे। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम हमको दो दिन से क्यों नहीं मिल रही थी? तुम भी हमसे नाराज थी क्या? नहीं नाराज तो नहीं है, बस थोड़ी टेंशन हो रही है। अब पैसों का भी तो इंतजाम करना है ना, उसके लिए नई नौकरी ढूंढ रहे हैं। एक तो जगह बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गारंटर लेकर आओ, तो बस समझ नहीं आ रहा है कि किसके साइन लूं। अरे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना, तो हम कर देंगे साइन पेपर पे। अब मकान मालिक से बड़ा गारंटर कौन हो सकता है? सच में आप करेंगे हमारे लिए? अरे इमली तुम्हारी नहीं, और किसकी मदद करेंगे? हम पेपर्स लेकर आते हैं। उधर वाला बस बस आखिरी आखिरी। आप ना बहुत ही अच्छे हैं, आपने ना हमारा दिल जीत लिया। ए, तुम भी तो बहुत अच्छी हो, तुमने भी तो हमारा दिल जीता हुआ है। वहां मैं जा रहा हूं। माँ कहाँ खोई हो? माँ सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है बेटा, तेरे पापा आजकल अजीब सा बिहेव करते हैं, आधी आधी रात को उठकर फोन पर बातें करते हैं। लगता है मुझे इमली से सच जानना ही पड़ेगा कि वो उस दिन पापा के साथ क्या कर रही थी। जय का फोन है। हेलो। हाँ जय। हेलो किशोर, मुझे आज तुमसे मिलना है, मुझे कुछ जरूरी बात जाननी है। हाँ तो आ जाओ मिलने, आ जाओ। हाँ ठीक है।
लगता है प्लान काम कर रहा है, हैं उंगली? गेम खेला है। बाबू, आपकी इमली आपका आज इंतजार करेगी, आएंगे ना अपनी इमली से मिलने? तैयार हो जाओ अमीर बनने के लिए। क्या चाल चला तुमने, मान गया। ये बोलना, अरे जब से आया है पिए चला जा रहा है, बोलेगा भी कुछ? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछ। वो पापा और इमली का कुछ? तो तुम्हें भी पता है उसके बारे में? मतलब ये सब सच है? जब से मैं तुमसे जुड़ा हूं ना, मुझ में कुछ अलग ही जोश आ गया है। सच में तुम में कुछ तो बात है। बात तो है बाबू, और आपके हाथ में जाम भी है। पीजिए 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 पीजिए। नहीं, मेरा बाप ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा जैसा गंदा आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। अरे जय, जय, तुम यहाँ? जय, 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 अच्छा हो गया तुम आ गए। तुम्हारे पापा मेरे साथ रोज। जय तुम घर जाओ। इमली क्या बोल रही हो, क्या नाटक है, क्या बकवास कर रही हो? जय प्लीज मुझे बचा लो अपने पापा से, प्लीज प्लीज जय बचा लो। इमली तुम ठीक तो हो ना? मैंने जय को सब कुछ सच सच बता दिया है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जय जय तुम घर जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। जाओ जय, घर पे जाओ। जय, ये तो मर गया। अब ये मेरी मां को कभी धोखा नहीं दे पाएगा। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? अब अपने ही घर में आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बल्कि तुम बताओ यहाँ तुम क्या कर रही हो मेरे घर में? हटो यहाँ से। अरे ये, किशोर हा? वो पर्दे वहाँ पे चेंज कर देना, बहुत ही गंदे लग रहे हैं। अच्छा इमली, यहाँ हम अपनी फोटो लगाएंगे सुंदर सी, और यहाँ मैं टीवी लगाऊंगा ताकि खाना खाते वक्त देख सकूं। चुप, ये क्या यहाँ वहाँ लगा रखा तुम दोनों ने? कब से देख रही हो? ये मेरा घर है। मैडम कहाँ पास्ट में जी रही हो, कहाँ है? रुको रुको, ये देखो कागजात इस घर के, देखो देखो ओरिजिनल है, देखो आराम से देखो। आपके पति ना मरते वक्त ना हमारी बीबी के नाम ये घर करके चले गए। अब तुम यहाँ से जाओ, कहीं और जाओ। देखा, बस बस हो गया चलो देख लिया, चलो चलो बाहर जाओ, चलो निकलो निकलो, खींच के भगाओ। मेरा घर है। हेलो पुलिस स्टेशन, आइए इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों के पास प्रॉपर्टी के जाली पेपर्स है, आप एक बार चेक कीजिए प्लीज। जाली पेपर्स? अरे इंस्पेक्टर साहब,
इनके पति ने मरने से पहले अपनी मर्जी से ये मकान के पेपर्स मेरे नाम किए, तो फिर जाली पेपर्स कैसे हुए? अब एक सेकंड ना, मैं आपको पेपर्स दिखाती हूँ। पेपर्स ये देखिए, ये लीजिए। एक बात बताइए इमली जी, आपके बयान के मुताबिक इनके पति राकेश जी आपको मारते थे, पीटते थे, आपको परेशान करते थे, आपके साथ जबरदस्ती किया करते थे, ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी। हाँ हाँ, उन्हें ना बाद में गलती का एहसास हो गया था, उसके बाद उन्होंने इमली के नाम कर दी है ना इमली? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। दिख रहा है। वैसे आप दोनों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जय का बयान ले लिया है हमने, और सब कुछ समझने और जानने के बाद इतना तो पता चल गया है कि तुम दोनों जितने सीधे और सच्चे दिखते हो उतने हो नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके पास खूनी है, और रही बात ये मकान के पेपर्स की, तो वो तो मैंने आपको दिखा ही दिए। हाँ सही कह रही है इमली, और इतना आसान होता है कि एक पेपर पर साइन कर देने से पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई। उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं बेवकूफ। और वैसे भी जया जी ने तुम दोनों पर फ्रॉड का केस तो दर्ज कर ही दिया है, तो जांच तो होगी, और जब जांच होगी तो तुम दोनों की सारी असलियत भी बाहर निकल कर आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि सारा सच यहीं बोल दो, शायद सजा कम हो जाए। बताता हूं। दोनों पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को।